हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप फटे हुए दूध के छेने से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले रेसिपी की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है छेना लिया है, उसके ऊपर हमने 2 से 3 चम्मच जो है बेसन लिया हुआ है, उसके बाद मिर्च और चॉप किया हुआ प्याज अच्छे से, उसके बाद हल्दी, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्स मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे मतलब अजवाइन। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, अजवाइन जो है ऑप्शनली है, आप चाहें तो डालिएगा, नहीं तो अगर आपका मन नहीं है तो मत डालिएगा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है आप डालेंगे या नहीं डालेंगे। सबसे पहले उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, फिर तेल गरम करेंगे। एक एक करके यहाँ पे जो भी लोइया टाइप का जो भी होता है, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, पेरा भी शेप दे सकते हैं या फिर कोई सा भी शेप दे सकते हैं, उस शेप में करके उसके बाद से एकदम गरम गरम तेल में इसको फ्राई कर लेंगे। और एक एक करके एक साइड से जब हो जाएगा तो यहाँ पे एक एक करके सब पलटते जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सभी फ्राई करते जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद यहाँ पे फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और फिर से तेल गरम करेंगे, जीरा 5 फ़ोरन ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है मिर्च ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे आपस में। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा लौंग इलायची वगैरह ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि है प्याज वगैरह, टमाटर ऐड करेंगे जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है 5 से 10 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, जैसे कि देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉफ़्ट होने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे मिक्स मसाला ऐड करेंगे। मिक्स मसाला यहाँ पे जो है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो है मसाले को पहले भूनने देंगे सारी चीज़ों में। जैसे अभी हमने थोड़ा सा, अब हम यहाँ पे छेने का पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के ऊपर और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे टमाटो केचप, उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही 1-2 उबाल आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी हमने पकौड़ों को तैयार किया था ना, उन सारे पकौड़ों को इस ग्रेवी के ऊपर डाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। और उसके बाद यहाँ पे जैसे 1-2 उबाल आ जाएगा, तो इसको जो भी पकौड़ा है उसको यहाँ पर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम सीधा सर्व करके दिखाते हैं। आई होप आज की जो सर्विंग है आपको अच्छी लगे। सर्विंग अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये कुछ रही हमारी सर्विंग, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड सेफ।